नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट एफपीएफ जेएंडके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस स्ट्रेटजी, जिसमें आपका जीएसएससी यानी ऑप्शन रहेगा। अभी बड़े सारे एस्पिरेंट का क्वेश्चन थे कि ये जो पेपर है ये एमसीक्यू टाइप है या मेन्स के टाइप है, तो सब चीज़ें हम डिकोड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू मस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। ओके, और उसमें हम आपको बता देंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम कि इसकी जो नोटिफिकेशन है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। पहले ही एग्ज़ाम था 24 दिसंबर को। जस्ट वन मिनट। ओके, ये एग्ज़ाम था 24 दिसंबर को, अब इसकी डेट जो है वो आगे पोस्टपोन कर दी गई है। ठीक है, जेकेपीएससी के द्वारा ये बताया गया है और ये नोटिस जो है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी जो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है, चूंकि हालांकि अभी देखा जाए तो अभी चेयरमैन जो है जेकेपीएससी के पोस्ट जो है वो खाली है, और पोस्ट जैसे उनका जो चेयरमैन का होता है, नए चेयरमैन आते हैं तो उसके बाद कंटिन्यूएशन हो सकती है एग्जाम की, और एग्जाम कभी भी हो सकता है। आपको रुकना नहीं है कि आप 24 दिसंबर को एग्जाम नहीं है तो अब हम पेपर छोड़ दें, तैयारी छोड़ दें, तो बेटर ऑप्शन है कि आप आगे जितना भी टाइम बचता है उसकी तैयारी करें आप। और ये पोस्ट जो आई थी असिस्टेंट डायरेक्टर वाली, ये आई थी जेकेपीएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाली थी 2022 की, और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट देखते हैं कैसे हैं। जैसे आपका असिस्टेंट डायरेक्टर इन द एफपीएफ मतलब हो गया फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जेएंडके में, इसमें 15 पोस्ट थी, और इस तरह से अलग अलग पोस्टें हैं। जैसे सॉइल एंड कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की अलग से है, सॉइल कंजर्वेशन असिस्टेंट है, साइंटिफिक असिस्टेंट वो अलग से पोस्ट दी गई है। टोटल 22 पोस्ट हैं, बट अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो खाली असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो 2022 में आई थी, क्या क्वालिफिकेशन है या क्या है, या इसके फॉर्म ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं, एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बाकी ये आपको पता ही होगा कि क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे रनिंग है, क्या चीजें हैं। बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो सिलेबस में क्लियरली लिखा है कि रिटन टेस्ट है, फिर इंटरव्यू है, और वॉकिंग टेस्ट है, और मेडिकल टेस्ट है। तो सबसे पहले क्या है, रिटन टेस्ट है, तो हम रिटन टेस्ट में भी क्या चीजें हैं, इंटरव्यू के बाद में डिस्कस करेंगे जब आप क्वालिफाई कर देंगे। उसके बाद वॉकिंग टेस्ट तो आपको पता ही है, मेडिकल टेस्ट भी आपको पता है। वॉकिंग में मतलब आपको रनिंग करनी है नॉर्मली, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया है उन्होंने। ठीक है, कि कितनी रनिंग करनी है आपने। ओके, यहाँ पे दिया गया है कि कितनी रनिंग क्या करना है, बट हम डिस्कस करेंगे रिटन एग्जामिनेशन और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जनरल इंग्लिश जो सिलेबस आपका है, जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपने। टेलीग्राम चैनल हमारा पुराना वाला जो है वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो अभी जो आपने करना है वो सर्च करना है टारगेट टारगेट जेके एग्जाम्स एग्जाम्स एस डबल लगा देना है आपने। पहले जो था हमारा चैनल वो टारगेट जेके एग्जाम्स था। ठीक है, अब वो रिमूव हो चुका है टेलीग्राम से, तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि आप एस एक्स्ट्रा लगा के आप सर्च कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। स्पेसिफिकली अगर बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, तो उसके लिए भी हमने अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो स्पेसिफिक आप जब ज्वाइन करेंगे, मेन चैनल आप ज्वाइन करेंगे, तो वो वाला भी आपको लिंक मिल ही जाएगा। जनरल इंग्लिश जो है 100 मार्क्स की है, दो घंटे का पेपर है, और 40% क्वालिफाई मार्क्स तीनों में बताया गया कि 40% आपको क्वालिफाई करने ही करने हैं, अदरवाइज आपका पेपर नहीं चेक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 40% तीनों में लेने हैं, जनरल इंग्लिश में भी, जनरल स्टडीज में भी, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी। ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, जो भी आपका ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम ये दो चीजें डिस्कस करेंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज के बारे में फुल डिटेल में। डिकोडेड सिलेबस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे वो ऑलरेडी मैंने शेयर भी कर दिए हैं। ठीक है, और इस पीडीएफ में भी प्रोवाइड किए गए हैं, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की जो दिए गए हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी, और ऐसे भी जो इस पीडीएफ में है वो प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपका सिलेबस कहीं ना कहीं मिलता है, और ये इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि इंग्लिश का पेपर है, जनरल इंग्लिश का 10+2 लिखा है, स्टैंडर्ड ऐसे ऐसे आएगा, राइटिंग आएगी, पैराग्राफ आएगा। ठीक है, और कम्प्रीहेंशन ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें जनरल स्टडी में सबसे बड़ी बात ये है कि ये पेपर प्रीलिम का टाइप होगा या मेंस का, तो इसमें तो क्लियरली
पता है आपको मेंस टाइप ही होगा, जब आपको ऐसे लिखना है तो मतलब वो क्लियरली है। अब जीएस में जो है यहाँ पे जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ये होगा मेंस टाइप का, ओके, और ये होगा एमसीक्यू टाइप, ठीक है। मेंस टाइप कहने का मतलब ये, जेके पीएससी का जो मेंस होता है वो रिटर्न फॉर्म में होता है। रिटर्न मतलब हो गया ऐसे टाइप होता है, ऐसे टाइप मतलब हो गया कि लिखना होता है आपने, ओके। बट ये वाला जो पोर्शन है मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, मतलब मैथ्स और रीजनिंग जो कंपोनेंट रहते हैं, सेम आपका सिलेबस जेकेएस सी सेट में भी है, ठीक है। सेम वाला पोर्शन यहाँ पे भी है, ये आपका एमसीक्यू टाइप रहेगा। रेस्ट ऑफ द पोर्शन जैसे कि हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी आ गई, इकोनॉमी आ गई, ज्योग्राफी आ गई और करंट अफेयर आ गया, साइंस आ गई, साइंस टेक्नोलॉजी, तो ये सब पोर्शन जो है ये मेन टाइप का रहने वाला है। और इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी अपने व्यूज आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, या फिर आपको भी कुछ ज्यादा चीजों के बारे में नॉलेज है तो वो भी शेयर कर दीजिएगा। इन्वायरमेंट का भी है और वेटेज अलग अलग दी गई है, 25 नंबर दिए गए। हिस्ट्री को क्लियरली मेंशन लिखा है कि इंडियन हिस्ट्री, तो मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इन्होंने लिखा इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इंडियन हिस्ट्री, मतलब एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन तो हमें अभी पता चल गया कि हिस्ट्री कल्चर से एक क्वेश्चन आएगा, एक हिस्ट्री, जब इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं तो इसमें मेडिवल भी आ जाती है, मॉडर्न भी आ जाती है और एंशंट भी आ जाती है, जो तीनों हिस्ट्री को मिला के इंडियन हिस्ट्री आ गई। लेकिन इंडियन बोल रहा हूँ, जे एंड के की हिस्ट्री नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और ये 25 नंबर है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये भी 25 मार्क्स का बताया है। इंडियन इकोनॉमी, ये भी 25 मार्क्स की। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ये 25 मार्क्स की। जनरल साइंस एंड रोल, इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक वाला पोर्शन जो है इसमें पढ़ने की जरूरत है। जनरल साइंस रोल क्या है वो वाला। रेस्ट आपका है करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, वो 25 मार्क्स का रखा गया है। और ये वाला पोर्शन जितना भी आप देख रहे हैं, ये वाला जितना भी पोर्शन है, इसको मैं मिटा देता हूँ फिर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जितना भी ये 1 2 3 4 6 तक जितना भी है, ओके, ये हमारा रहेगा मेंस टाइप का, ठीक है। और ये जो 7th नंबर पे है ये आ गया आपका एमसीयू टाइप, मतलब मैथ्स और रीजनिंग के जो टॉपिक होते हैं। और जो टॉपिक अगर आपको चाहिए इसके, तो वो टॉपिक मैं शेयर कर दूंगा कि कौन कौन से मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक पढ़ने हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वो भी अलग से। फॉरेस्ट और ये वाला जो है ये 25 मार्क्स का, यहाँ पे भी टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो 200, और 200 मार्क्स से जैसा कि आपको पता है कि क्वालिफाई मार्क्स कितने, 40% है, तो 40% में आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि 40% कितने बनते हैं। जैसे हम जीएस की बात करें, जीएस 200 नंबर का पेपर है, इसके 40% कितने बनेंगे, ओके, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो 80 नंबर आपको लेने ही लेने, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 80 नंबर आपको लेने ही है। 200 का है तो 10% हुआ 20, और 40% है तो 80, हाँ, तो 80 मार्क्स आपको लेने ही लेने हैं क्वालिफाई के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो कैसे लिए जाएंगे वो मार्क्स और किस तरह से इसको हम डिकोड करें सिलेबस को, वो नीचे दिया गया है। बाकी ऑप्शन है तो ऑप्शन आप अपने अपने तरीके से प्रिपेयर कर दीजिएगा, ठीक है, बिकॉज इनमें से कोई भी मेरा ऑप्शन नहीं है। मेरा ऑप्शन है पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और इसमें से जैसे आपका एग्रीकल्चर है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंट है, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड वगैरह वगैरह, ओके, इसमें से मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। मेरा है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो हम डिकोड करते हैं कौन सा पेपर, जीएस का। तो जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट और कल्चर 25 मार्क्स है, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 5 का भी, 10 का भी, 15 का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोई क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है हिस्ट्री में, 25 मार्क्स टोटल लेने, ऐसा तो है नहीं कि 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे, एक 15 नंबर का, एक 10 नंबर का, तो खत्म हो गया, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें शार्ट नोट्स भी आते हैं, शार्ट नोट्स में मतलब हो गया, जैसे हो सकता है आपको पूछे कि भाई इंडियन स्वदेशी मूवमेंट, क्वेश्चन आ गया स्वदेशी मूवमेंट, आ गया क्यूट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो शॉर्ट नोट्स में दो दो नंबर का या 3 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इस तरह से अगर हिस्ट्री का देखें, पॉलिटी का देखें, पॉलिटी 25 मार्क्स, और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रहेगी, 2 3 5 10 15 हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको चैनल पे, ठीक है। सिर्फ याद रखना है कि ये एमसीक्यू टाइप रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें 2 3 5 10 मार्क्स कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये गलती से लिखा है,
इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे 1 या 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 25 मार्क्स से तो मतलब हो गया, कम से कम जितने भी क्वेश्चन आएंगे या तो 1 नंबर का रहेगा या 2 नंबर का रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं टॉपिक भी शेयर कर दूंगा कि मेंटल एबिलिटी और जनरल एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है। इसमें ये वाली लाइन जो है ये जीएस के लिए है, इसके लिए अप्लाई नहीं है, बाकी वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। सिलेबस डिकोड जैसे हम देखें इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट में आपको 25 नंबर में किस तरीके से क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। आल तो ये एग्जाम ही क्या है, फॉरेस्ट का है, तो फॉरेस्ट के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, एजेंडा 21 क्या, इसमें शॉर्ट नोट्स आ सकता है। शॉर्ट नोट्स मतलब हो गया आपको हो सकता है ये 50 वर्ड में बोले, 50 वर्ड में आप बताइए, ठीक है। वो क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, आपको पता चल जाएगा, बट ये वाले टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने, इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 क्या है, ब्रनलैंड कमीशन आया था वो क्या है, मेवाकी मेथड क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स एंड माउंटेनियस रिकॉर्ड रामसर साइट्स ये देखनी है। इसके अलावा आपने देखना है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वाले, उसके प्रोविजन पढ़ने, इंपॉर्टेंट है प्रोविजन देख लें। फिर इन सीतु और एक्स सीतु की एग्जाम्पल्स देखनी है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में टाइप्स है इन सीतु और एक्स सीतु, उसकी एग्जाम्पल और क्या होता है। डिफरेंस पढ़ना आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का, कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बेसिक अंतर क्या है। अगर शॉर्ट नोट्स आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क को कौन नोटिफाई करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कौन करता है, स्टेट करती है या सेंट्रल करती है, और इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या आती है, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व की भी सेम आपने डेफिनेशन देखनी है, साथ में इसका रोल क्या रहता है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व का, तो इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी टाइप्स देख लेनी है कि कितनी प्रकार की है, वो एक देख लेना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 वाला है, तो उसके प्रोविजन देख लेने हैं आपने, प्रोविजन कौन कौन से हैं। वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स भी हैं 2017 और 2010 वाला भी है, तो उसमें कंजर्वेशन रूल्स क्या क्या है वो देख लेना है। इट कम्स अंडर द ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो इंपॉर्टेंट है कि किसके अंडर आता है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 वाला ये पढ़ना है, एनवायरमेंट ये ईपीए प्रोसेस पढ़ना है आप लोग, ईपीए नहीं है ईआई है, EIA, तो इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, तो इसको क्लियर करना आपने, पी नहीं है यहाँ पे आई है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट प्रोसेस क्या रहते हैं वो सिर्फ आपने देखना है कि भाई इसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है, वो चीजें पढ़नी है, ठीक है। ऑल्दो जेके पीएससी के मेंस के सिलेबस GS3 में भी ये दिया गया है, तो क्या है EIA, इसका प्रोसेस देखना है कि भाई इसमें किस तरह से प्रोसेस रहता है, ठीक है, वो पढ़ना है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और सेंडाई फ्रेमवर्क, तो इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो वो देखना है किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ओके। इसके अलावा हमने देखना है कि इसके प्रोविजंस क्या है। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लाया है पार्लियामेंट में जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वाला, इसमें प्रोविजंस क्या क्या है वो देखने हैं, और सेंडाई फ्रेमवर्क रिलेटेड टू द डिजास्टर मैनेजमेंट है तो वो भी देखने है कि सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है। इसके अलावा आपने देखना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली 1972 में आया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA, बट इसकी अभी रिसेंटली अमेंडमेंट हुई है, पहले 6 शेड्यूल थे अब 4 शेड्यूल है, तो बेसिक डिफरेंस इनमें क्या है वो सारे शेड्यूल देख लेने, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आएगा तो उसमें आपको 50 वर्ड में या 70 वर्ड में आपको कंप्लीट करना है, और कोई क्वेश्चन आपका 10 नंबर का भी आ सकता है। मैंने बता दिया पहले 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 15 का हो सकता है, लेकिन 15 के सारे ही नहीं होंगे, तो मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 3 और 5 के बीच में होंगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स हो गया कि इन सारे टॉपिक के आपसे कम से कम 50 से 70 वर्ड्स आपके पास होने चाहिए लिखने के लिए एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं जस्ट बोल रहा हूँ ब्रनलैंड कमीशन, तो आपको पता होना चाहिए कमीशन कब आया, रिपोर्ट कब दी और किसके रिलेटेड है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन। मियावाकी मेथड क्या है, कहाँ से आया, जैसे ये जापान से आया है, किसके लिए आया है, अर्बन फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि मियावाकी मेथड क्या है, कहाँ से आया, क्या इसका मकसद है और इंडिया में कहाँ पे इसको लागू किया जा रहा है, तो अगर इतना ही लिख देंगे तो आपको वो 3 नंबर आपको मिल सकते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसे है, अभी जे एंड के में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, 2021 में लागू किया गया था इसको, 2021 या 2022 में किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है कि जे एंड के में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो अभी न्यूज में भी था और इसके रिलेटेड क्वेश्चन चीजें पूछी जा सकती है, तो डायरेक्टली प्रोविजन पढ़ने 3-4-5 प्रोविजन और वही लिखने भी हैं। इसके अलावा आपके पास आ गया वाटर क्राइसिस इन इंडिया रिपोर्ट, किसी की भी है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, ठीक है, या फिर आप वाटर कंजर्वेशन अथॉरिटी होती है, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन अथॉरिटी होती है उसकी, आप PIB की वेबसाइट से आप डायरेक्टली इसको पढ़ सकते हैं।
पीआईबी की वेबसाइट पे, वहां पे लिखिए वाटर क्राइसिस इन इंडिया, तो रिपोर्ट पढ़नी है ताकि आपको इसके रिलेटेड, जैसे इसके अलावा ईपीए रिपोर्ट 1986, ये क्या है एनवायरमेंट ईपीए, ठीक है, और एनजीटी के बारे में पढ़ना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यूएनईपी एंड इट्स मैंडेट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका मैंडेट क्या है, कब बॉडी बनी है और क्या चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है। और ये बॉडी बनी है डायरेक्टली, अगर बताऊं आपको तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, ठीक है, तो उसी दौरान में इसको बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा IUCN रेड डाटा बुक, मतलब हो गया कि IUCN का रोल क्या है और रेड डेटा बुक जो है वो क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड एक ही बॉडी है जो जिसका नाम है UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, तो वो इंपॉर्टेंट है। इसकी अभी रिसेंटली सबमिट हुई है, जैसे 26 वाली ग्लासगो है, ठीक है, 27 वाली जो है ये इजिप्ट में हुई है, और ये अभी दुबई में हो रही है, 2023 में हुई है 28th वाली, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ही अगर 26 साइट ठाई में देखें तो ग्लासगो सबमिट थी, उसमें हमारा पंच अमृत के बारे में पढ़ के जाना आपने, पंच अमृत क्या है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ड्यूरिंग द COP26, ठीक है, क्या बोला था वो पंच अमृत, अपने याद करके जाने। अगर इसके बैकग्राउंड में चले जाए, UNFCCC की कॉन्फ्रेंस हुई थी COP21 जो हुई थी 2015 में, जिसमें आपका पेरिस एग्रीमेंट के अंडर क्या चीजें रही हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। इसी में आपका आ जाता है INDC, ये भी देखना है कि इंडिया का जो है वो INDC क्या है, ठीक है, और इसके साथ में COP26 में ग्लासगो समिट हुई है, ये UNFCCC के अंडर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, और इसमें पंच अमृत याद करके जाने, पांच के पांच जो इंडिया के मिशन है कि हम तब तक कार्बन न्यूट्रल कर रहे हैं, जैसे कार्बन न्यूट्रल 2070 की बात करी है, रिन्यूएबल एनर्जी की, बाकी हम सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, फलाना डिमकाना, वो सारी चीजें हैं, पांच के पांच पॉइंट याद करने की कौन कौन सी चीजें हम खत्म करने वाले हैं, और इंडिया का INDC क्या है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 वाला क्या है, तो वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसी में एनवायरमेंट में, अगर ये मेन टॉपिक रहे आपके एनवायरमेंट के, और क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं मैंने बता दिया आपको, जैसे क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरल ब्लीचिंग एंड इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन मैरीन लाइफ, तो कहीं ना कहीं कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है वो पता होना चाहिए, और इंपैक्ट क्या क्लाइमेट चेंज का, और इसके कम से कम 50 से 100 वर्ड्स आपके पास होने चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं है, आपने कोरल ब्लीचिंग की डेफिनेशन लिख ली तो इसमें खत्म हो जाएगा भाई, कोरल ब्लीचिंग क्या है, कोरल्स की डेथ होती है, किस वजह से होती है, क्या चीजें, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या मरीन लाइफ में पड़ सकता है, तो वो चीजें आपने लिखनी है, तो इसी में आपके 100 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन ये कंटेंट आपके पास रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट जैसे है व्हाट इज द मैंडेट ऑफ IPCC, तो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो रिपोर्ट देता है रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, तो वो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी कब बनी है, किसके अंडर बनी है, और इसका मैंडेट क्या है, और कौन कौन सी रिपोर्ट आती है, और रिसेंट में इनकी रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या बोला गया है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर जो है 21 सेंचुरी से पहले हमें कम करना है, तो उसके बारे में वो सारी चीजें लिखनी है। फिर जैसे डिफरेंस बिटवीन बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो रेमेडिएशन, तो बायो रेमेडिएशन का मेनली यूज होता है जैसे कहीं ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, ठीक है, तो ऑयल स्पिल्स के लिए कहीं ना कहीं बायो रेमेडिएशन टेक्निक का यूज होता है, तो बायो मैग्निफिकेशन अलग से है, जैसे DDT अगर हमारा क्या है फूड चेन में रेगुलरली अगर कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं बायो मैग्निफिकेशन का रोल वहां पे, बायो रेमेडिएशन रिलेटेड टू द रेमेडी, जब नाम ही है बायो रेमेडिएशन मतलब हो गया बायो का यूज करके, बायो मतलब हो गया ऑर्गेनिज्म का यूज करके रेमेडी करना है किसको, तो ऑयल स्पिल हो जाता है उसमें यूज होता है, तो इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट चेंज इट्स इंपैक्ट ऑफ हिमालय एंड आर्कटिक रीजन एंड अंटार्कटिक रीजन से भी इंपॉर्टेंट है, तो हिमालय पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है क्लाइमेट चेंज का वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ग्लोबल वार्मिंग एंड इंपैक्ट ऑन हिमालयन इकोसिस्टम। अब ये शॉर्ट नोट्स मतलब ये हुआ कि ये जैसे इधर तक ये शॉर्ट नोट्स है, मतलब ये हो गया आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, और बताया जा सकता है कि आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये हो सकता है आपको 5 नंबर का ही क्वेश्चन हो, ठीक है, पर यहाँ पे ये 50 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के पूछे जा, जैसे पूछा जा सकता है कि ये बॉन्टेन प्रोटोकॉल क्या है, वीना कन्वेंशन क्या है, क्यूटो प्रोटोकॉल क्या है, अजोन डिप्लीशन और कन्वेंशन रिलेटेड टू इट कौन कौन सी है, या पूछा जा सकता है भाई एसिड रेन के बारे में आप क्या जानते हैं, मिनी माटा कन्वेंशन किसके रिलेटेड है, मरकरी के रिलेटेड है जैसे,
कब आई थी 2013 में और अभी क्या इंप्लीमेंटेशन हो रही है वो देखनी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, और एफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी डेफिनेशन शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपने, ताकि ये कंटेंट आपके पास रहे जब भी पेपर में, तब नहीं सोचना है, पहले से ही आपके पास कंटेंट रेडी होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, पोटेंशियल ऑफ लिथियम रिजर्व्स इन इंडिया एंड डिस्कस द सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द माइनिंग। और लिथियम रिजर्व, जैसे कि आपको पता है कि जे एंड के में भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में इसका जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला था कि यहाँ पे भी फाउंड हुआ है लिथियम रिजर्व्स, तो उसके रिलेटेड पूरी चीजें आपने पोटेंशियल देखना है कि क्या क्या चीजें इंडिया में कहाँ कहाँ पे ऑलरेडी लिथियम रिजर्व पाया गया है, और रियासी से पहले कर्नाटका में पाया गया था, उसके बाद रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर की उसमें पाया गया है, उसके बाद राजस्थान की बात की गई है, और कितना कितना है वो देखना है, और इसका इम्पैक्ट सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये आपने कम से कम 125 वर्ड आपके पास होने चाहिए। ये चांसेस एक ही ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें इलेक्ट्रिक, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मतलब क्या, ई व्हीकल्स इंडिया में काफी ज्यादा यूज हो रही है। जैसे आप भी अगर देखेंगे, पहले ऑटो जो हुआ करते थे आपके आसपास वो डीजल या पेट्रोल के रिलेटेड हुआ करते थे, बट आज की डेट में देखें तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को देखते हुए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज ज्यादा किया जा रहा है इंडिया में, तो वो इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से। उसके अलावा नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम क्या है, सारी चीजें देखनी है आपने, ये भी वैसा ही है वेटलैंड्स के रिलेटेड ही है। ग्लोबल वार्मिंग और इस सारा पोटेंशियल क्या है, ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। इस तरह से अगर आगे आगे देखें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एनवायरमेंट में, तो वो देखना इंपॉर्टेंट है किस परस्पेक्टिव से। बाकी ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन 2023 में अमेंडमेंट हुई है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की, तो वो भी देखना है क्या है। बायोडाइवर्सिटी की अमेंडमेंट हुई है वो भी देखनी है, और इसमें वर्ड लिमिट जो है 50, 100, 150 इसलिए बोला गया है कि जितना भी ये कंटेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं, कम से कम हर एक टॉपिक के 50 से 70 से लेके 100 वर्ड्स तक आपको उसका कंटेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए कि एग्जाम एग्जाम में चाहे क्वेश्चन 2 नंबर का है, 3 का है, 5 का है, 10 का है, कम से कम आपके पास इतने वर्ड्स होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन जितने भी आएंगे इसमें पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन आपने सारे अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आप पहले क्वेश्चन में आप 5-6 लाइनें लिख रहे हो, दूसरे में आप 10 लाइनें लिख रहे हो ऐसे करके, ठीक है, और थर्ड वाले क्वेश्चन में चाहे 2 ही लाइनें लिखी हैं, तो नंबर आपको ये क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने पे ज्यादा नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपने पूरा लिख दिया, मतलब 100 वर्ड्स लिखा है तो आपने 100 वर्ड्स का ही लिख दिया, तो 5 में से आपको वैसे भी 3 नंबर मिलने वाले हैं, तो बेटर ये है कि लिमिटेड वर्ड में आप अच्छी चीजें लिख लो, तो वही इंपॉर्टेंट बन जाता है, रेदर देन कि आप इसके 100 वर्ड्स कंप्लीट करें, और या फिर इसके 150 वर्ड्स कंप्लीट करें, या फिर इसके 50 वर्ड्स कंप्लीट करें, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपको पूरा करना है, कंप्लीट करना है, चाहे उसमें कुछ भी लिखा है, कुछ भी लिखने का मतलब हो गया लिमिटेड और कंसाइज मैनर में जो लिखा है क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं, वो ही मैं बोल रहा हूँ कि पूरा जीएस का पेपर में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, पेपर में से एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ठीक है। इस तरह से अगर देखिए पॉलिटी का, तो पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन 25 मार्क्स का आएगा, तो पीआरआई के बारे में आपको इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में कि आप पढ़ के जाए पीआरआई के बारे में, ठीक है। तो पीआरआई जब मैं बात कर रहा हूँ, पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पहली बात है जे एंड के में लागू हुआ है, तो वो हो चुका है अक्टूबर 2020 से, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 3 टायर सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम में, और इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, और कौन सी अमेंडमेंट में, 73rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में, ठीक है। और इसके मेन आपने देखना है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, अभी कौन कौन सी ड्रॉबैक्स हैं, तो ड्रॉबैक्स में सिर्फ आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियली दिक्कत हो सकती है कि इनको डेवल्यूशन ऑफ पावर्स नहीं दी गई है, तो डेवल्यूशन ऑफ पावर्स की इंपॉर्टेंट है कि डेवल्यूशन ऑफ पावर्स क्या है, ठीक है, और व्हाट आर द चैलेंजेस, और चैलेंजेस क्या क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, और ड्रॉबैक्स का देखना है आपने, डेवल्यूशन ऑफ पावर्स देखनी है, पीआरआई देखना है, ओके। और ग्रास रूट डेमोक्रेसी में जैसे अगर हम बोले कि अभी तक पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी अगर इंडिया में है तो अभी तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स रहती हैं, अगर वो स्कीम्स रहती है तो अभी तक पॉवर्टी खत्म क्यों नहीं हुई है, और व्हाट इज द रोल ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो एक एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से, किस परस्पेक्टिव से आपने सोचना है, तो तीनों परस्पेक्टिव से, सोशल परस्पेक्टिव भी और पॉलिटिकल परस्पेक्टिव सब देखना है। पॉलिटिकल परस्पेक्टिव में डेवल्यूशन ऑफ पावर्स की कहीं ना कहीं कमी है, फाइनेंशियली फाइनेंस पहुंचता नहीं है पीआरआई में,
वो कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। बाकी इंस्टीट्यूशन कौन सी है, कौन सी कमेटी ने, वो जैसे आप सोच रहे होंगे बलवंत राय कमेटी या फिर अशोक मेहता कमेटी, उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ दिखती है आपको पीआरआई में, वो चीजें लिखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डायनेमिक डॉक्यूमेंट, और ये अगला क्वेश्चन है साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया, वो इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी न्यूज में, तो वो इंपॉर्टेंट है। इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म के बीच में डिफरेंस क्या, बेसिक वो भी पता होना चाहिए। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल को क्यों बोला जाता है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ना। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, तो ये आर्टिकल वन में ऑलरेडी दिया गया है, तो नाम चेंज से कोई परस्पेक्टिव नहीं चेंज होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी आर्टिकल वन में दिया गया है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो उस परस्पेक्टिव से आपने कुछ लिखना है। बाकी इसराइल का कंफ्लिक्ट अभी चल रहा है, वो भी न्यूज में, वो भी आपने पढ़ना है। तो बाकी ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सब क्वेश्चन को आपको पढ़ने पड़ना है। अभी जैसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एज ए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ठीक है, तो इसके व्यू क्या है सुप्रीम कोर्ट के, डायरेक्टली आपने वेबसाइट पे जाना है, सुप्रीम कोर्ट पे देखना है कि वर्डिक्ट में क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं, वही पॉइंट नोट डाउन करके और न्यूज़पेपर में क्या दिया गया है वही आपके पास परस्पेक्टिव होना चाहिए और अपना व्यूज आपने रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आने वाले टाइम में, ये एग्जाम जब भी होगा। फिर आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है जैसे शॉर्ट नोट्स, वर्ड लिमिट बताई गई ऑलरेडी कितने कितने हैं, पीआईएल क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है, थीम क्या है, मेन कीवर्ड्स जो होते हैं प्रियम्बल में वो क्या है, जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल ओवर रिव्यू क्या होता है, एनईपी पॉलिसी, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन काफी न्यूज में है, डॉक्ट्रिन बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, जीएसटी एंड काउंसिल्स, एट्रोसिटी ऑन दलित एंड कास्ट इन इंडिया ये देखना है, कास्ट एंड रिलीजन पॉलिटिक्स इन इंडिया, फाइनेंशियल पावर पंचायत के लिए क्या ड्रॉबैक्स है, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है, मेन हाईलाइट्स एंड के रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट 2023 में हुई है पार्लियामेंट में, उसके बारे में भी आपको आना चाहिए कि क्या चीजें हैं। और रिसेंटली अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी न्यूज में, तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आ गया फॉरेस्ट राइट एक्ट, हाउ फार इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई एम कमिंग बैक। यस, तो इस परस्पेक्टिव से आपने देखना है। ठीक है, बाकी अब इसके बाद में ये क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी इसकी पीडीएफ शेयर कर दी गई है। बट ये है कि किस परस्पेक्टिव से आपने देखना है कि आप ये ना सोचें जैसे जेकेपीएससी का मेंस होता है, जेकेपीएससी के मेंस में, जस्ट 1 मिनट, यस, जेकेपीएससी के मेंस में जैसे वहां पे क्वेश्चन होते हैं 150 वर्ड्स और 10 नंबर का क्वेश्चन, 250 वर्ड्स, 15 नंबर का क्वेश्चन, तो वो यहाँ पे परस्पेक्टिव नहीं है, यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग से। इसकी बात कर रहा हूँ जेके पी एस सी सिविल सिविल सर्विस मेंस की बात कर रहा हूँ, उसमें परस्पेक्टिव ये होता है कि GS 1, 2, 3 और 4, ठीक है, इसमें जो होता है वो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं ऐसी रहती है कि 150 वर्ड्स 10 मार्क्स, 250 वर्ड्स 15 मार्क्स। लेकिन अगर जेके पी एस सी असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें तो वहां पे सिलेबस ऐसा नहीं है, इसमें सिलेबस अलग से है, तो यहाँ पे आपको 50 वर्ड्स का भी पूछा जा सकता है, 70 वर्ड का भी पूछा जा सकता है, 100 वर्ड्स का भी, 125 का भी और 150 भी। ठीक है, और ये 2 मार्क्स का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है और 10 का भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अलग रहेगी, इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स में बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कंटेंट आपके पास पूरा रेडी होना चाहिए, जितने भी टॉपिक मैंने शेयर किए हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आपके पास होगा तो कहीं ना कहीं जो आपका 40% क्वालिफाई करने का जीएस का और इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश का जो चैलेंज है वो आप इजिली कर सकते हैं, 40% वाला चैलेंज। ओके, तो ये दिमाग में होना चाहिए कि किस तरीके से आपने चीजों को लेके चलना है। इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी रिसेंटली न्यूज में भी है, तो वो पढ़ के जाना है आपने। बाकी शॉर्ट नोट्स जैसे अजंता लोरा केव्स, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, ये बाकी सब दिया गया, जैसे व्हाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th ऑफ जनवरी, इज देयर एनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो 1930s के टाइम में जो है रिपब्लिक डे की बात करी गई थी, तो वो कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव यहां पे आपने जोड़ना है।
क्रिप्स मिशन आ गया, फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ, हॉयसिला टेंपल, सिग्निफिकेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ फेंस, सब्सिडियरी अलायंस, रॉटबरी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट। और ये जो क्वेश्चन जितने भी ये दिए गए हैं, ये वाले जो शॉर्ट नोट्स वाले हैं, इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जितने भी हैं, कम से कम आपके पास 50 से 70 वर्ड्स शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, ठीक है। और ये इजी काम है, अगर आप एक दिन में बैठेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 काजीज कॉन्सिक्वेंस करेंगे, तो मुझे लगता है कि 5-6 लाइन काजीज, 5-6 लाइन कॉन्सिक्वेंस और रिवोल्ट ऑफ 1857 बस खत्म। तो 5-6 लाइनें इसकी, 5-6 लाइनें इसकी, तो ये खत्म हो गया। और ये 10 मिनट का ही काम है। इस तरह से ये शॉर्ट नोट्स सब बनाने हैं आपने, शॉर्ट नोट्स 50 से 70 वर्ड्स शॉर्ट नोट्स के टॉपिक होने चाहिए। अगर कोई भी टॉपिक अगर कल को आए तो आपके लिए ये इजी होगी, आपके पास कंटेंट ऑलरेडी रेडी है, आपको दिक्कत नहीं आएगी जब एग्जाम में आप बैठे होंगे डायरेक्टली। ओके, तो कंटेंट आपके पास होना चाहिए, गूगल पे सर्च करिए, कहीं भी सर्च करिए। हो सकता है आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्लासेस भी लाऊंगा मैं, ठीक है, जैसा जैसा टाइम मिलेगा, अगर एग्जाम आगे पोस्टपोन हो जाता है तो क्लासेस हो सकता है कि हम इसकी लाएंगे। बट अभी के लिए जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो आप कर सकते हो तो वो करना है, ठीक है। इस तरह से इंडियन इकोनॉमी के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये भी सारे के सारे जैसे जिसमें लिखा है शॉर्ट नोट्स, तो ध्यान रखना है कि वो आपको, जैसे ये वाला है तो ये आपका कम से कम 7-8-10 नंबर के बीच में आना चाहिए, 100 वर्ड्स आपके पास होने चाहिए, इसके भी 100 वर्ड्स होने चाहिए। जिसमें लिखा है 50 to 100 वर्ड्स, तो मतलब हो गया इसमें सिर्फ डेफिनेशंस और बेसिक रिसेंट करंट अफेयर के अकॉर्डिंग देखना है आपने। ओके, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ के जाना, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आए, ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज में, तो ये पढ़ के जाना है आपने, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ के जाना है। फिर आपके आ गया जैसे चंद्रयान मिशन अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो वो भी पढ़ के जाना है, गगनयान मिशन क्या चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखा है, तो शॉर्ट नोट्स में जितने भी टॉपिक दिए गए कम से कम 50 वर्ड्स आपके पास इसके होने चाहिए। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, 50 वर्ड्स इसके, 50 वर्ड्स इसके। चैट जीपीटी क्या है, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ, क्या है, वो सारी चीजें। नेविगेशन सिस्टम जो इंडिया का है वो नेविक पढ़ लेना, NAVIC, ठीक है, तो वो वाला पढ़ लेना आपने। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। निसारा मिशन जैसे है, इसरो प्लस नासा ने लॉन्च किया है, और देखना है कि इसका मेन एम क्या है, ठीक है। पहले लाइन लिखनी है आपने कि दिस मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इसरो बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ इसरो एंड नासा, और आगे आपने इसका ऑब्जेक्टिव लिखना है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या। 50 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल लिख लेनी है, कहानी खत्म हो जाएगी। जीनोम सिक्वेंसिंग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेनी है आपने, जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होता है, ठीक है, उतना ही लिख के आ जाओ, 50 वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की डेफिनेशन, एमआरएनए और डीएनए की वैक्सीन में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया ये वायरस, कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी, क्या इसकी डेफिनेशन देखनी है और एग्जाम्पल देखनी है। 5G स्पेक्ट्रम पढ़ के जाना, क्योंकि 5G लॉन्च हो चुका है इंडिया में, तो वो भी पढ़ के जाना है। ये अभी रिसेंटली इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये भी देख के जाना है कि इसमें आउटकम क्या रही है। अभी दिसंबर में ही इसकी मीटिंग हो रही है। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हाट इज एप्लीकेशन इन फॉरेंसिक, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 5 नंबर का आ सकता है, तो ये पढ़ के जाना है। हाउ फार इसरो सक्सेसफुल इन अचीविंग दिस माइलस्टोन, तो इंपॉर्टेंट है कि इसरो का क्या योगदान रहा है जब से इसरो इंडिया में है। ओके, नेविक सिस्टम पढ़ना है, फिर इसके बाद आपका पीएलआई स्कीम पढ़ लेना आपने, और एक डिजी लॉकर निपुण स्कीम कौन कौन सी है, सोलर फ्लेयर्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ के जाना है। 5G टेक्नोलॉजी पढ़नी है, एक वो भी पढ़ के जाना, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में क्या फर्क है, वो पढ़ के जाना, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में क्या फर्क है। और अभी इंडिया में डेवलप हो रहे हैं न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, इंडिजिनियसली डेवलप हो चुके हैं, तो वो भी थोड़ा सा देख के जाना। फिर इसके बाद हमारे पास बनता है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में मेनली आपने साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। फिर जैसे मेन टॉपिक में बता देता हूँ आपको ज्योग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक तो आपने पढ़ना है अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक डेफिनेशंस, टाइप्स पढ़नी है, ठीक है, और इसका इंपैक्ट क्या होता है वो पढ़ना है, और जे एंड के कौन से जोन में आता है, ठीक है, जे एंड के कौन से जोन में आता है, अर्थक्वेक जोन कौन सा आता है वो पढ़ना है। एक पॉइंट ये आ गया ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। दूसरा पढ़ना है साइक्लोन्स, साइक्लोन्स और रिसेंट वाला साइक्लोन जो अरेबियन सी में हुआ था इंडिया में, ठीक है, तो वो देखना है आपने कि अरेबियन सी में
साइक्लोन जो हुआ था वो उसका पढ़ के जाना आपने कि भाई उसका नाम क्या है और साइक्लोन एंटी साइक्लोन क्या होते हैं, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन वो पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। वॉल्केनोज के बारे में पढ़ के जाना है, वॉल्केनोज इंपॉर्टेंट है और इसका इंपैक्ट क्या रहता है वो भी पढ़ के जाना है। और जैसे उड़ीसा वाली साइड अगर देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साइक्लोन भी हिट करता है, ठीक है। जब ये साइक्लोन हिट करता है तो उड़ीसा ने ऐसे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप किया है, ठीक है। तो वो पढ़ना है। जैसे अभी उत्तराखंड में, जैसे कि आपको पता है कि टनल वाला जो कोलैप्स हुआ था, तो उत्तराखंड में ही ऐसा क्यों होता है? पिछली बार देखेंगे आप जोशीमठ केस आया था, जोशीमठ केस। तो ये सारी चीजें न्यूज में रहती हैं और ज्योग्राफिकली ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। और ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जैसे हिमालयाज है, तो हिमालयाज टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़नी है आपने, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़नी है आपने। टेक्टोनिक प्लेट्स मतलब हो गया टेक्टोनिक प्लेट थीरी जो है वो पढ़ के जाना आपने, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थीरी वो भी पढ़ के जाना, कि वो भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थीरी, ठीक है, वो भी देखनी है। फिर आपके पास आ गया इसमें जैसे शुगर इंडस्ट्री इंडिया में, क्या रोल है और क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें, ठीक है, वो पढ़ना है। एमएसपी पढ़ना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या चैलेंज है और क्या प्रॉफिट है, ये पढ़ के जाना आपने। इसके अलावा आपने लिथियम के बारे में पढ़ना ही है, लिथियम का जियोग्राफिकली अगर देखें रिसोर्सिस के, तो वो पढ़ना है। दूसरा ये देखना है कि जो मरीन लाइफ है, मरीन लाइफ जो है उसके बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। और ये देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग क्यों है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अर्थ पे, पूरी अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग क्यों है, ठीक है। तो वो भी देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग क्यों है, कैसे है। जैसे आप देखेंगे पोलर वाली साइड जाएंगे और इक्वेटर वाली साइड, ये वाला ट्रॉपिकल रीजन जाएंगे, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे है, रिसोर्सेज भी यहाँ पे ही है, ठीक है। लेकिन पोलर रीजन में अगर आप देखें तो पोलर रीजन में बायोडाइवर्सिटी कम है, तो लॉजिक क्या है वो देखना है आपने। नेक्स्ट आपके पास आ गया इसी में काजेज ऑफ लैंडस्लाइड इन द हिमालयन, जोशीमठ केस क्या है देखना है आपने। और बाकी ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे मिलेट्स क्रॉप है, तो इंडिया इस समय अगर बात करें तो इंडिया में वो समिट हुई थी मिलेट्स को लेके, इंटरनेशनल समिट्स रिलेटेड टू मिलेट, तो आपने देखना मिलेट क्रॉप्स कौन सी होती हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है, इंडिया का वर्ल्ड लेवल पर रैंक क्या है, मिलेट के फायदे क्या हैं, हेल्थ बेनिफिट क्या है, तो वो पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये सब पढ़ के जाना है आपने। जैसे अटल टनल हो गया, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, इम्पैक्ट क्या है, शॉर्ट नोट्स मतलब हो गया 50 वर्ड क्या आपके पास होना चाहिए। आईटीसीजेड अगर आए तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एल निनो लानिना के बारे में आए, लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जेट स्ट्रीम साइक्लोन्स, ये सब टॉपिक 50 वाले पढ़ के जाए, इतने ही बनते हैं, इसमें से ही आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ के जाना, क्योंकि जे एंड के रिलेटेड कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बनता ही है, और सैफ्रॉन कल्टीवेशन का भी है। ज्योग्राफिकल कंडीशन जम्मू कश्मीर में क्रॉपिंग के लिए क्या क्या रहती है वो देखनी है, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर जो न्यूज में है, तो करंट अफेयर में एक तो G20 समिट न्यूज में है, ठीक है। इंडिया इंडिया ने होस्ट किया है SCO को 2023 में, 2023 में इंडिया ने होस्ट किया है SCO को और G20 को। तो ये इम्पोर्टेंट है कि G20 और SCO, मोस्ट इंपॉर्टेंट है G20 की आउटकम क्या रही है, तो G20 की आउटकम पढ़ के जानी है आपने, वो ये दिल्ली डिक्लेरेशन। तो दिल्ली डिक्लेरेशन क्या होता है, क्या है और आउटकम क्या रहे G20 की, वो पढ़ लेना है। इंडिया यूएस रिलेशनशिप पढ़ लेना है और बाकी ये चीजें जो भी दी गई हैं, ठीक है। मैकमोहन लाइन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो भी मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो ओवरऑल मैंने अभी जो डिस्कस किया वो हमने किया जीएस का, और जीएस का मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपको लगता है कि और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप और क्वेश्चन भी आप शेयर कर सकते हैं जीएस के, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। इसमें ऐसे भी है, कंप्रीहेंशन भी है, प्रिसाइज राइटिंग भी है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो वो एक पेपर ले लेते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज का, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि उसमें क्या चीजें हैं। जैसे आप देखेंगे जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स की है, 2 घंटे का पेपर है, 40% क्वालिफाई है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है तो कि भाई ऐसे एक तो ऐसे आएगा, ये आपको पता है कि एक क्या आएगा, ऐसे आएगा। तो ऐसे के लिए आपने प्रिपेयर रहना है, कौन कौन से टॉपिक करने हैं, एक तो हम
टॉपिक डिस्कस कर देंगे, बाकी ये करंट रिलेटेड होते हैं। करंट रिलेटेड ऐसे में कैसे आएगा, देखो ऐसे में एक पर्सपेक्टिव होता है, एक तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ऐसे आ सकता है, एक एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, एक आएगा सोशल इशू से, ठीक है, एक आएगा करंट पर्सपेक्टिव को चल रहा है तो उसके इशू पे, और एक आ गया एथिक्स के बेसिस पे, ठीक है। तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हो सकता है आपको इलेक्शन के बारे में पूछ लें, एनवायरमेंट में हो सकता है वो आपको डिग्रेडेशन के बारे में पूछ लें, या फिर कंजर्वेशन के बारे में पूछ लें कि कंजर्व कैसे किया जा सकता है किसी चीज को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा जा सकता है, रोबोटिक के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, और सोशल मीडिया के बारे में पूछा जा सकता है, सोशल इशू में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है सोसाइटी पे, सोशल मीडिया पे। फिर आगे अल्कोहल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रग एडिक्शन पे। करंट अफेयर में जो चीजें न्यूज में रहती हैं इसी में, ठीक है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एथिक्स में आपको फिलोसफिकल पूछा जा सकता है, फिलोसफिकल ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये तीन चार पर्सपेक्टिव रहते हैं जिस तरीके से ऐसे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, जेके पीएससी मेंस में एक कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश का, ठीक है, 2021 का और 22 का डाउनलोड करना है और वो पेपर आपने सॉल्व करना है, ठीक है, वो पेपर सॉल्व करना, उसमें जितने ऐसे दिए हैं वो पढ़ने हैं, बाकी जो कंप्रीहेंशन दिए है या फिर ग्रामर के बारे में कुछ थोड़ा सा पूछा है, इडियम एंड फ्रेजेस अगर पूछी गई है तो वो आपके एक पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि कंपलसरी इंग्लिश पेपर में क्या क्या चीजें आई हैं, ठीक है। सिर्फ मार्क्स जो है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग रहेगी, क्योंकि इसमें आपका 100 मार्क्स का टोटल पेपर है, तो हो सकता है वहां पे ऐसे आपका 100 मार्क्स का 75 मार्क्स का या 100 का एक ही ऐसे दिया हो, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकती है, लेकिन पैटर्न कहीं ना कहीं वैसे रहने वाला है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है दो पेपर आपने वो वाले सॉल्व करने। नेक्स्ट हमारे पास आया, ये पेपर देख लेते हैं, एक IFS का एक पेपर इंग्लिश का हुआ है, तो वो आपको पर्सपेक्टिव मिल जाएगा क्लियरली। ये है IFS का पेपर हुआ है जनरल इंग्लिश का, तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक ही ऐसे लिखना है और वर्ड दिए होंगे कितने का करना है, लेकिन यहाँ पे 100 मार्क्स है, ये आपका AD में असिस्टेंट डायरेक्टर में 100 मार्क्स का नहीं आएगा, क्योंकि आपका टोटल पेपर 100 मार्क्स का है, तो हो सकता है ये 20 नंबर या 25 नंबर का पूछ लें आपको ऐसे, ठीक है, बट ये सारे के सारे ये जितने भी हैं इसके ऊपर में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर पर्सपेक्टिव बोले तो एक सोशल पर्सपेक्टिव होता है, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव हो सकता है, एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, सोशल इशू हो सकता है, साइंस के रिलेटेड हो सकता है, एथिक्स के बारे में, इसी के अलावा कोई भी ऐसे अलग से नहीं बनता है। यहाँ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और एथिकल डिलेमा पूछा है, तो ये कहना कि एथिक्स प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स, तो ये भी आ गया, एजुकेशन इज नॉट एंटी एथिकल टेक्निकल एजुकेशन, डेमोग्राफी डिविडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है डेमोग्राफी डिविडेंट, क्योंकि सेंसस हमारा अभी 2011 में लास्ट हुआ था, उसके बाद 2021 में होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ, तो डेमोग्राफी डिविडेंट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके इसमें से कोई भी एक ऐसे लिखना था आपने, मतलब IFS के एग्जाम में, बट ये पढ़ के जाएं आपको, ये चारों को चारों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन आ गया, मुझे लग रहा है कि NEP 2020 वाली, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके प्रोविजन पढ़ लो, और पुरानी वाली जो पॉलिसीज थी एजुकेशन के रिलेटेड उसके बारे में पढ़ लो, अभी ट्रेडिशनल और अभी वाली एजुकेशन पॉलिसी क्या है, वही आपको कहीं ना कहीं काम आएगा इस पर्सपेक्टिव से। बाकी मैं टॉपिक ऐसे के अलग से भी दे दूंगा आपको, वो आपको हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया था ऐसे के लिए, दूसरा आया था कुछ लेटर, ठीक है, और फिर ये आ गया पैसेज, ठीक है, 1/3 ऑफ ओरिजिनल लेंथ, मतलब ये 50 नंबर का दिया है, लेकिन ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव हो सकता है 10 नंबर का है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये पूरा ऐसे दिया गया है, इसको शॉर्ट नोट्स में लिखना है, मतलब 1/3 करना है, मतलब 1/3 समझ गए ना, मतलब ये हुआ 33% ही लिखना है पूरा जो दिया गया है इसका, फिर 33% ही लिखना है आपने। इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो ये पैसेज है और नीचे क्वेश्चन दिए होंगे, इसी पैसेज से आपने सिर्फ ऑथर का व्यू लेना है जो पैसेज में लिखा गया है। एक और चीज याद रखनी, ऑथर का व्यू लेना है, AUTHOR, जो ऑथर ने पैसेज में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। जो ऑथर ने बोला है दो बार पैसेज को पढ़ना है, पैसेज को दो बार पढ़ना है, जो ऑथर का व्यू है उसी के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चन के आंसर देने, अपना दिमाग 1% भी यूज नहीं करना है इस पर्सपेक्टिव में, ठीक है। जैसे लिखा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियर थेरेपी, तो आपने अपने
तरीके से नहीं देखना कि व्हाट इज बिहेवियर थेरेपी, ओके? तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस तरीके से चीजों को लेकर चलना। नेक्स्ट आपके पास आ गया, ये वाले इडियम एंड फ्रेजेस आ सकती हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, एडजेक्टिव नाउन क्या है। और ये था आईएफएस का पेपर, तो इसमें आपको एक क्लियरली क्लियर चीज होगी कि जो जनरल इंग्लिश का पेपर है वो जो आने वाला है, जनरल इंग्लिश का 4 नंबर का जनरल इंग्लिश, जिसमें आपको एक तो ऐसे आएगा, इसमें आएगा ऐसे, पहला पॉइंट। दूसरा आएगा आपके पास कंप्रीहेंशन, ठीक है? एक तो ऐसे लिखना आपने, हो सकता हो 25 नंबर का हो, 25 मार्क्स का हो, ठीक है? क्योंकि जनरल इंग्लिश में आपका टोटल 100 मार्क्स है आपका एडी के सिलेबस में, ठीक है? 25 मार्क्स का भी आ सकता है। फिर आपका कंप्रीहेंशन आया तो ये हो सकता है 10 नंबर का है। फिर पैसेज आया, फिर इडियम एंड फ्रेजेस सिलेबस में डायरेक्टली लिखा है तो इडियम एंड फ्रेजेस भी 5-10 नंबर की आ सकती है। इस तरह से आपने इसको लेकर चलना, ओवरऑल 40% आप बन ही ले ही लेंगे इसमें, ऐसे कंप्रीहेंशन से, पैसेज से, इडियम फ्रेजेस से और नॉर्मल जो ग्रामर है उससे, वोकैबुलरी से, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने कमांड किस पे करनी है, ऐसे पे कमांड करनी है, क्योंकि इसी से नंबर मिल जाएंगे आपको, चाहे ये 25 मार्क्स का है चाहे 50 मार्क्स का, क्योंकि ऐसे आपने एक ही करना है, एक ही होगा, 3-4 दिए होंगे, 3-4 में से एक ही करना, तो एक आप कर ही सकते हो। प्रैक्टिस करनी है आपने कंप्रीहेंशन, और मैंने बताया कि ऐसे के लिए, ऐसे के लिए जेके पीएससी के 2021 और 22 में देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे पूछे गए हैं, वही आपने पढ़ के जाना है, ठीक है? और ये था आपका जनरल इंग्लिश असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट का जो सिलेबस था उसको हमने डिकोड किया, और ये पूरा का पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दी गई है, ठीक है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, पेपर जब भी आप देने जाएंगे तो पेपर क्वेश्चन, जो जीएस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर जितने भी क्वेश्चन होंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एग्जाम्पल कि टोटल 20 क्वेश्चन है, आपको 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन अगर 150 वर्ड्स का लिखा है और एक लिखा है 100 वर्ड्स का और एक 50 का लिखा है, ठीक है, और आप पूरे 150 कंप्लीट करने बैठ गए और नहीं हो रहे हैं आपसे, तो आप क्वेश्चन ये वाला छोड़ रहे हैं, तो वो गलती है। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आप कम वर्ड में लिखें लेकिन टू द पॉइंट लिखें, टू द पॉइंट, ठीक है? और सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने इंपॉर्टेंट है जीएस में। और जीएस में एक चीज मैंने बताई कि मेंस टाइप्स रहेगा प्लस सिर्फ रीजनिंग और मैथ जो है वो एमसीक्यू टाइप रहेगा, ठीक है? तो वो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, वो भी प्रैक्टिस कर ले क्योंकि वो भी एक पार्ट है इसी सिलेबस का। रही बात इंग्लिश की तो मैंने बता दिया, ऐसे भी है वो भी है। ऑप्शनल रही बात, ऑप्शनल जो आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस में जो जो लाइनें लिखी हैं उनको पढ़ के जाना, जो जो लाइनें लिखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सिलेबस है एग्रीकल्चर का ले लें, अगर एग्रीकल्चर का कोई भी टॉपिक लिखा है यहाँ पे कि भाई इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, तो आपने उसके 5-6 पॉइंट बना के पहले से रखने हैं। अगर लिखा है कि भाई एग्रीकल्चर J&K में कैसी हो रही है, ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, उसके 5-6 पॉइंट आपने पहले ही बना के रखने हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो सिलेबस में लाइनें लिखी हैं वो उठाइए, उसके 7-7 पॉइंट मेन पॉइंट 7-8 बनाइए, फिर अगला टॉपिक है उस पर जो लिखा हुआ है उसके 7-8 पॉइंट बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, इसके शॉर्ट नोट्स, पूरे सिलेबस के शॉर्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी ये ऑप्शनल भी कंप्लीट होगा और बाकी जीएस भी कंप्लीट होगा। और ऐसे तो चलो प्रैक्टिस की बात है, ठीक है? तो जीएस के फिर बोल रहा हूँ, 50 से लेके 100 से लेके 150 वर्ड्स तक आपके पास हर एक टॉपिक का होना चाहिए। बाकी रेस्ट ऑफ द सिलेबस जो है या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, ठीक है? और वो मेन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपने, टारगेट जेके एग्जाम्स, एग्जाम्स लिखना है, XAMSSS लिखना है, ठीक है? वो आपको चैनल मिल जाएगा, वहीं पे आपको असिस्टेंट डायरेक्टर का जो अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है वो भी आपको मिल जाएगा, सारा अपडेट आपको वहीं पे मिलता रहेगा, ठीक है? बाकी अगर रिलेटेड टू, अगर यही है कि इन क्वेश्चन को सबको मैं सॉल्व करूँ तो वो काफी टाइम लगेगा, तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कंटेंट पे ज्यादा फोकस करें, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं 40% आपको क्वेश्चन, होपफुली आपका ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए होगी आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी जरूरत पड़ेगी और जब भी एग्जाम की फाइनल डेट आ जाएगी। अभी 24th of December वो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है, नेक्स्ट जब भी डेट आती है किस परस्पेक्टिव से रहेगा तो और क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं जीएस के रिलेटेड। प्रैक्टिस करिए जितना जितना हो सकता है और कंटेंट बनाइए, और
टेलीग्राम पे आप शेयर भी कर सकते हैं कोई भी कंटेंट हो रिलेटेड टू एडी, ताकि बाकी वालों को भी हेल्प हो सके, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगर आपको लग रहा है कोई इसमें से कोई इंपॉर्टेंट और टॉपिक भी है तो वो अभी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद।